यार भाई अंकित, जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में 125 सीसी का क्रेज है ना भाई, ठीक उसी प्रकार 150 सीसी सेगमेंट का भी क्रेज बढ़ते जा रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। एक भाई बड़ा कंफ्यूज है यार होंडा की यूनिकॉर्न 160 और बजाज की पल्सर 150 में। वो बोल रहे थे कि दोनों गाड़ियों में से कौन सा गाड़ी लूं मैं। अगर देखा जाए तो दोनों गाड़ियां बेस्ट है भाई, दोनों गाड़ियां फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया और दोनों गाड़ियां काफी कम प्राइस में मिल जाती है। लेकिन कोई बंदा भाई दोनों गाड़ियों को तो एक साथ ले नहीं सकता है, तो इसीलिए भाई मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए और उसमें एक एक चीज डिटेल में कंपेयर करा जाए दोनों गाड़ियों का। आज मैं आप सभी को हुंडई यूनिकॉर्न 160 को बजाज की पल्सर 150 से कंपेयर करके दिखलाऊंगा। दोनों गाड़ियों के प्राइजेज में 3000 के लपेट में डिफरेंस है, तो कौन सा गाड़ी किसके लिए बेस्ट हो सकता है आज वही जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, एक एक चीज डिटेल में कंपेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो हमेशा की तरह सबसे पहले वेरियंट और कलर ऑप्शन कंपेयर कर लेते हैं। तो यूनिकॉर्न 160 में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 4 कलर ऑप्शन के साथ। रही बात पल्सर की, तो इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं और 2 और लॉन्च हुए, 4 वेरिएंट हो चुका है, टोटल आपको 3 कलर ऑप्शन के साथ मिलता है। हालांकि पल्सर में 3 और कलर आपको मिल जाएंगे जो हाल फिलहाल में डिजिटल मीटर के साथ लॉन्च नहीं हुआ है पल्सर 150, तो उसमें नए ग्राफिक्स के साथ आपको 3 कलर मिलेगा। वही सिमिलर सा ही कलर है भाई, तो मैंने एग्जैक्ट आपको 3 कलर बता दिया। तो यहाँ पे वेरिएंट के मामले में तो आपकी पल्सर आगे निकल जाती है, लेकिन कलर के मामले में यूनिकॉर्न आगे निकलती है। खैर आप थोड़ा लुक और डिजाइन दोनों गाड़ियों का देख लेते हैं। दोनों गाड़ियों का फ्रंट से देख सकते हो, दोनों गाड़ियां नो डाउट काफी मस्कुलर लगती है, बल्की लगती है देखने में। पहले यूनिकॉर्न से शुरू करते हैं। इस तरह का आपको टिपिकल सा मिरर मिलता है जो आपको साइन एसपी सब में देखने को मिलता है। हैंडल बार में इन्होंने थंब दे रखा है इसमें, बाकी हेड आपको इस तरीके का मिल जाता है मस्कुलर सा। क्रोम का फिनिशिंग दे रखा है, होंडा का ब्रांडिंग दे रखा है, हैलोजन सेटअप दे रखा है, इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल मिल जाता है, इसके अलावा नंबर प्लेट माउंट, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और मडगार्ड आपको इस तरीके का मिल जाता है। ग्राफिक्स वगैरह आपको हेड पे देखने को नहीं मिलता। वहीं पल्सर की बात करती हूँ तो इसमें आपको मिरर चौड़ा सा मिलता है, इसके भी हैंडल बार पे थंब दे रखा है, बाकी हेड आप देख सकते हो इस तरीके का मिलता है, इसके साइड में थोड़ा सा ग्राफिक्स भी मिलता है हेड पे। बाकी यहाँ पे 2 पायलट लैंप मिल जाता है, होंडा का ब्रांडिंग, ट्रांसपेरेंट आपको वाइजर मिल जाता है, इसके अलावा हैलोजन हेडलाइट मिल जाता है, इंडिकेटर इसमें भी फ्लेक्सिबल दे रखा है, हालांकि हैलोजन ही है भाई यूनिकॉर्न की तरह। बाकी नंबर प्लेट माउंट, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और मडगार्ड आपको इस तरीके का मिल जाता है, इस पे आपको थोड़ा कार्बन का फिनिशिंग मिलता है, स्टिकर है भाई, फिनिशिंग मतलब प्रॉपर नहीं बोल सकते हैं। और हाँ, पल्सर का अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो ड्यूल डिस्क वाला, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मोटा सस्पेंशन फ्रंट वाला देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे मैं बेस वेरिएंट को ही ज्यादा टारगेट किया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वही ज्यादातर बीट करती है आपकी यूनिकॉर्न 160 को, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट में स्प्लिट सीट आ जाता है ना भाई, तो फैमिली वाले टॉप एंड वेरिएंट कभी भी नहीं लेंगे। खैर दोनों गाड़ियों को आप साइड से देख सकते हो भाई, नो डाउट दोनों गाड़ियां काफी बल्की लगती हैं भाई, दोनों का फ्यूल टैंक काफी मस्कुलर है। लेकिन हाँ, यूनिकॉर्न में आपको फालतू का पैनल वगैरह देखने को नहीं मिलता फ्यूल टैंक पे, आपको इस तरीके का सिंपल सा बस फ्यूल टैंक मिलता है, होंडा का ब्रांडिंग दे रखा है, इस पर ग्राफिक्स वगैरह भी कुछ देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे क्रोम का फिनिशिंग, इंजन आपको पूरा ब्लैक के साथ मिलता है, एलॉय आपको सिंपल सा मिलता है, रिफ्लेक्टर यहाँ पे दे रखा है, बाकी यहाँ पे पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन का बैजिंग दे रखा है, इसके अलावा ड्यूल स्टैंड मिल जाता है, यूनिकॉर्न का पीछे बैज मिल जाता है, लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड मिल जाता है, चैन आपको पूरा कमर के साथ मिल जाता है और सिंगल सीट बड़ा सा मिल जाता है। ये हो गया आपका यूनिकॉर्न का कहानी। बाकी रहा बात पल्सर का, तो ये जो फोटो देख रहे हो ये पुराने वाले मॉडल, मतलब ये आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल के साथ मिलेगा। आपको अगर डिजिटल मीटर के साथ लेना है तो आपको इस तरीके का ग्राफिक्स मिलेगा, 150 का बैजिंग वगैरह टंकी पे दे रखा है। पुराने और नए मॉडल के लुक और डिजाइन में ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस ग्राफिक्स में ही चेंजेस है। मैं यहाँ पे मेनली पुराने वाले मॉडल से ही कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके का आपको ग्राफिक्स मिल जाता है, फ्यूल टैंक पे पल्सर का बैजिंग दे रखा है, इंजन आपको पूरा ब्लैक के साथ मिलता है, इसके अलावा इंजन काउल भी दे रखा है, जबकि यूनिकॉर्न में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलता है। एलॉय आपको सिंपल सा मिलता है, रिफ्लेक्टर इसमें भी दे रखा है, और यहाँ पे आप मडगार्ड पे देखोगे तो थोड़ा सा ग्राफिक्स भी दे रखा है, लेकिन ये चीज यूनिकॉर्न में मिसिंग है। बाकी आपको चैन पूरा कवर के साथ मिलता है, इसमें भी आपको लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड मिल जाता है, सिंपल सा सीट मिलता है एकदम फ्लैट। वहीं अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे स्प्लिट सीट मिल जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी इस तरीके का आपको गियर लगाने वाला सिस्टम मिल जाता है, पीछे 150 का बैच दे रखा है और कुछ ग्राफिक्स भी दे रखा है। ये तो हो गया एक साइड का कहानी, एक और साइड से देख सकते हो वही डिजाइन मिलता है जैसा उस साइड दे रखा है। दोनों गाड़ियों में आपको की का स्टार्टर मिल जाता है, हालांकि पल्सर का अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तभी की का स्टार्टर मिलता है, टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो आपको की का स्टार्टर नहीं मिलेगा। बाकी यूनिकॉर्न का आप एग्जॉस्ट सिस्टम देख सकते हो पूरा ब्लैक के फिनिशिंग के साथ मिलता है, वहीं पल्सर का भी आप एग्जॉस्ट सिस्टम देख सकते हो पूरा ब्लैक के फिनिशिंग के साथ ही मिलता है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको डिस्क ब्रेक जो मिलता है वो नॉर्मल मिलता है, पेट्रोल डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता। बाकी अब थोड़ा दोनों गाड़ियों को रियर से देख लो भाई,
रियर से नो डाउट पल्सर आइकॉनिक लगती है भाई देखने में, खैर यूनिकॉर्न से शुरू करती है। इस तरीके आपको सिंपल सा ग्रेविल मिलता है, इस तरीके आपको टेललाइट मिल जाता है, बाकी रिफ्लेक्टर दे रखा है, इंडिकेटर दे रखा है, नंबर प्लेट माउंट, मडगार्ड आपको इस तरीके का मिल जाता है। वहीं पल्सर में आपको बेस वेरिएंट में सिंगल ग्रेविल मिलेगा, टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे स्प्लिट ग्रेविल मिलेगा, बाकी आपको टेललाइट स्प्लिट में मिलता है, ये LED टेललाइट है। हालांकि यूनिकॉर्न में आपको हेलोजन मिलता है, बाकी इंडिकेटर आपको इस तरीके मिल जाता है फ्लेक्सिबल, नंबर प्लेट माउंट, नंबर प्लेट के लाइट भी दे रखा है, रिफ्लेक्टर दे रखा है और मडगार्ड आपको इस तरीके मिल जाता है। यूनिकॉर्न में आपको रियर हगर वगैरह देखने को नहीं मिलता, लेकिन पल्सर में आपको रियर हगर वगैरह देखने को मिल जाता है। देखो ये तो हो गया लुक और डिजाइन का बात भाई, किसी को यूनिकॉर्न पसंद आ सकती है, किसी को पल्सर पसंद आ सकती है, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मेरा तो फ्रंट से फेवरेट भाई यूनिकॉर्न है, लेकिन रियर से पल्सर है। अभी थोड़ा दोनों गाड़ियों के हार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो आपको यूनिकॉर्न में 162.71 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जबकि पल्सर 150 में आपको 149.5 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों के इंजन में अच्छा खासा डिफरेंस है, 11-12 सीसी का डिफरेंस है। हालांकि दोनों गाड़ियों में आपको एयर कूल्ड मिलता है, सिंगल सिलेंडर मिलता है, 2 वाल्व भी मिलता है, इस चीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फ्यूल इंजेक्शन दोनों में दे रखा है, लेकिन मेन सीसी में डिफरेंस है। बाकी रहा बात गियर वगैरह का, तो दोनों गाड़ी में आपको 5-5 गियर मिल जाते हैं और दोनों गाड़ियों का गियर पैटर्न बिल्कुल ही सेम ही है भाई, एक नीचे लगता है और 4 ऊपर लगता है। हालांकि एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप पल्सर का टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वहां पे गियर लगाने वाला सिस्टम आपको इस तरीके का मिलता है, लेकिन बेस वेरिएंट लेते हो तो आपको इस तरीके का गियर लगाने वाला सिस्टम मिलता है, और यूनिकॉर्न में भी आपको इसी तरीके का मिलता है। जो पेरेंट्स वगैरह अच्छा खासा पसंद करते हैं भाई, वो सिंगल वाला रहता है, वो मजा नहीं आता लगाने में। बाकी स्टार्टर के तौर पर दोनों गाड़ी में आपको किक भी मिल जाता है और सेल्फ भी मिल जाता है। हालांकि अगर आप पल्सर का टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो वहां पे किक स्टार्टर नहीं मिलेगा, ये चीज आप ध्यान देना। बाकी अब थोड़ा पावर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं, तो यूनिकॉर्न में आपको 13.27 bhp का पावर मिलता है 7500 rpm पे और टॉर्क मिलता है 14.58 nm का 5500 rpm पे। जबकि रहा बात पल्सर का, तो इसमें आपको 13.8 bhp का पावर मिलता है 8500 rpm पे और टॉर्क मिलता है 13.25 nm का 6500 rpm पे। तो यहाँ पे पावर में ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ इतना पावर में डिफरेंस है और इतना टॉर्क में डिफरेंस है। मतलब पावर आपको ज्यादा पल्सर में मिलता है, लेकिन टॉर्क आपको यूनिकॉर्न में ज्यादा मिलता है। तो टॉप एंड के मामले में पल्सर आपकी ज्यादा बढ़िया रिस्पांस देगी, लेकिन हाँ इनिशियल के मामले में या फिर मिड के मामले में यूनिकॉर्न ज्यादा आपको मजा देगी पल्सर के मुकाबले। बाकी अब थोड़ा दोनों गाड़ियों का फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं, तो यूनिकॉर्न में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि पल्सर में आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, 2 लीटर का डिफरेंस है भाई। और हाँ बहुत भाई कहते हैं ना कि 10 लीटर का फ्यूल टैंक इनफ होता है, देख लो यहाँ पे कंपनी वाले पागल हैं कि जो 13 लीटर और 15 लीटर का दे रहे हैं। दोनों गाड़ियों में अच्छा खासा फ्यूल कैपेसिटी है, हालांकि पल्सर का ज़्यादा बेटर है। रहा बात रिजर्व वगैरह का, तो दोनों गाड़ियों में आपको रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता है। और माइलेज की बात करते हो तो दोनों गाड़ियाँ भाई सिमिलर टाइप का ही पावर जनरेट करती है, तो आपको माइलेज वही 45 से 50 तक मिल जाएगा। अगर आप प्यार से चलाओगे तो, भगा के चलाओगे तो 40 का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और रहा बात टॉप स्पीड का, तो दोनों गाड़ियों की कंपनी 110 kmph तक टॉप स्पीड क्लेम करती है, लेकिन भगाने वाले लोग बाग भाई 120, 125, 130 तक भी टच करा देते हैं। दोनों गाड़ियाँ भागती काफ़ी मस्त है। हालांकि पल्सर 150 का टॉप स्पीड ज़्यादा बढ़िया है भाई यूनिकॉर्न से, क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा है ना, तो ये चीज़ है। बाकी अब थोड़ा ब्रेकिंग कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का, तो दोनों गाड़ियों में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है भाई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यूनिकॉर्न के फ्रंट में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। वहीं पल्सर की बात करते हो तो इसके फ्रंट में आपको 260mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। और वहीं ऑप्शन में 230mm का डिस्क ब्रेक भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें 2 वेरिएंट आता है, सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क, तो ये काफ़ी बढ़िया बात हो जाता है। हालांकि अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वही स्प्लिट सीट मिलता है ना भाई, नॉर्मल सिंगल सीट वाले वेरिएंट में आप डिस्क ब्रेक दोनों नहीं ले सकते, सिंगल ही आपको डिस्क ब्रेक लेना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। तो दोनों गाड़ियों का ब्रेकिंग सिमिलर ही है भाई, आप ऐसा मान सकते हो। हालांकि पेपर वाइज देखो तो पल्सर का ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग है, क्योंकि 260mm का डिस्क ब्रेक इसमें मिलता है, तो 20mm बड़ा डिस्क ब्रेक दे रखा है यूनिकॉर्न के मुकाबले पल्सर में बजाज वालों ने। बाकी रहा बात सस्पेंशन का, तो यूनिकॉर्न के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिलता है और रियर में मोनोशॉक मिलता है। वहीं पल्सर के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक कॉन्वेंशनल फॉक वाला मिलता है। बेस वेरिएंट में 31mm आपको फॉक मिलता है, जबकि टॉप एंड वेरिएंट में 37mm फॉक मिलता है। वहीं रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर वाला गैस फिल्ड विद कैनिस्टर वाला सस्पेंशन मिलता है नाइट्रोक्स का। तो ऐसे देखो तो भाई दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट कंक्लूजन बताऊं
तो पल्सर का ज्यादा बढ़िया सस्पेंशन है यूनिकॉर्न के मुकाबले, क्योंकि यूनिकॉर्न में कॉस्ट कटिंग किया गया है भाई, मतलब कॉस्ट कटिंग है मतलब फ्रंट वाला उतना बढ़िया सस्पेंशन यूज नहीं किया गया है। रियर वाला तो मोनोशॉक ठीक है, लेकिन फ्रंट वाला आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइट लगेगा। तो ये चीज आप टेस्ट राइड वगैरह लेके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। बाकी अब थोड़ा टायर कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो दोनों गाड़ियों में आपको अलग अलग टायर मिलता है, 18 इंच का टायर आपको मिल जाता है यूनिकॉर्न में, जबकि पल्सर में आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है, 1 इंच का डिफरेंस है भाई। रहा बात प्रोफाइल वगैरह का, तो 80x118 मिलता है फ्रंट में यूनिकॉर्न का, वहीं रियर में आपको 100x90-18 मिलता है, जबकि पल्सर के फ्रंट में आपको 80x117 मिलता है और रियर में 100x90-17 मिलता है। वहीं टॉप एंड वेरिएंट लेते हो ट्विन डिस्क वाला, तो वहां पे आपको 120x80-17 मिलता है। तो टायर आप सिमिलर ही मान सकते हो भाई, दोनों गाड़ियों में सिमिलरिटी टाइप का टायर है, बस 1 इंच का डिफरेंस है। अब बहुत भाई सोचेंगे कि एक में 17 इंच है, एक में 18 इंच है, 18 इंच वाला ज्यादा बढ़िया होगा। देखो भाई ठीक है 18 इंच वाला बढ़िया होता है, लेकिन 17 इंच वाला भी खराब नहीं होता है। जैसे अगर आप चलाओगे ना दोनों गाड़ियों को, तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस में 18 इंच है किस में 17 इंच है। कंपनी वाले थोड़ा सा माइलेज के चलते दे देते हैं भाई, तो उतना खास आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बाकी अब थोड़ा डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो यूनिकॉर्न का 140 किलो कर्व वेट है और पल्सर का 148 किलो कर्व वेट है बेस वेरिएंट का। टॉप एंड वेरिएंट का 150 किलो कर्व वेट है, तो पल्सर आपकी 8 से 10 किलो भारी है यूनिकॉर्न से। हालांकि देखा जाए तो यूनिकॉर्न में भी कुछ भी प्लास्टिक यूज नहीं किया गया, सब चीज़ आपको मेटल ही मिलता है, लेकिन फिर भी 8 से 10 किलो वजन कम है। खैर आपको सीट हाइट मिलता है यूनिकॉर्न में 798 mm का, जबकि पल्सर में 785 mm का ही सीट हाइट मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों को भाई आराम से 5.5 फीट का बंदा चला सकता है। रावत ग्राउंड क्लियरेंस का, तो यूनिकॉर्न में आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है भाई। वहीं रावत पल्सर का, तो इसमें आपको 165 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो कहीं ना कहीं घटिया ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है पल्सर में यूनिकॉर्न के मुकाबले। आप खराब रास्ते पे चलाओगे तो यूनिकॉर्न टच नहीं होगी, लेकिन पल्सर टच हो जाएगी। खैर ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 2081 mm का लंबाई मिलता है आपको यूनिकॉर्न में और 2055 mm का लंबाई मिलता है पल्सर में, मतलब यूनिकॉर्न ज्यादा लंबी है। रही बात ओवरऑल वेट की, तो 756 mm का अपने को चौड़ाई मिलता है यूनिकॉर्न में और 765 mm का चौड़ाई मिलता है पल्सर में। रहा बात ओवरऑल हाइट का, तो 1103 mm का हाइट मिलता है अपने को यूनिकॉर्न में और 1060 mm का हाइट मिलता है पल्सर में। पल्सर थोड़ी सी छोटी कद की है भाई यूनिकॉर्न के मुकाबले, यूनिकॉर्न काफ़ी बड़ा आपको फील कराएगी बैठने पे। बाकी रहा बात व्हील बेस का, तो 1335 mm का व्हील बेस मिलता है अपने को यूनिकॉर्न में और 1320 mm का व्हील बेस मिलता है अपने को पल्सर में। तो ऐसे पेपर वाइज देखो तो ज़्यादा स्टेबल रहेगी यूनिकॉर्न टॉप एंड में, लेकिन पल्सर भी भाई काफ़ी मजा देने वाली है आपको टॉप एंड में, क्योंकि इसका कर्वेट ज़्यादा है ना, तो भाई एकदम चिपक के चलेगी टॉप एंड में। बाकी अब थोड़ा चेसिस कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो आपको यूनिकॉर्न में डायमंड टाइप फ्रेम मिलता है, लेकिन पल्सर में आपको ट्यूबुलर डबल क्रैंडल वाला चेसिस मिलता है। तो पल्सर में कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग थोड़ा सा किया गया है भाई, यूनिकॉर्न में आपको ज़्यादा बेटर चेसिस मिलता है पल्सर के मुकाबले। हालांकि पल्सर का भी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ एक कदम पीछे है भाई पल्सर का चेसिस यूनिकॉर्न से। तो ये चीज़ है। बाकी रहा बात वारंटी का, तो आपको यूनिकॉर्न में 3 साल 42,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पर। हालांकि एक्सटेंड करा के आप 5 साल करा सकते हो, लेकिन पल्सर में आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पर। कुछ भी एक्सटेंड फेक्सटेंड नहीं कराना है आपको, टेंशन फ्री रहना है 5 साल 75,000 किलोमीटर तक है। तो ये काफ़ी मेरे को पल्सर में बढ़िया लगता है। हालांकि यूनिकॉर्न में थोड़ा सा घटिया दे रखा है सर्विस, लेकिन हाँ वही 1500 दे के आप 5 साल करवा सकते हो। रहा बात फ्री सर्विस का, तो दोनों गाड़ी में आपको 3-3 फ्री सर्विस मिलता है, किसी में 5 फ्री सर्विस देखने को नहीं मिलता। और तीनों सर्विस आपको 1 साल के अंदर करा लेना है, नहीं कराओगे तो वैलिडिटी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर कर ही दिया भाई, अभी थोड़ा मेन चीज कंपेयर कर लेते हैं फीचर्स। बहुत भाई फीचर्स करते हैं ना, तो आप देख लेते हैं फीचर्स में कितना डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। तो आपको यूनिकॉर्न में ऑल हैलोजन का सेटअप मिलता है, मतलब हेडलाइट भी हैलोजन, टेल लाइट भी हैलोजन और इवन इंडिकेटर भी हैलोजन ही मिलता है। जबकि पल्सर में आपको हैलोजन हेडलाइट तो मिलता है, इंडिकेटर भी आपको हैलोजन ही मिलता है, लेकिन टेल लाइट आपको एलईडी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं लाइटिंग के मामले में एक कदम आगे पल्सर है। हालांकि दोनों गाड़ी में आपको DRL वगैरह देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ पल्सर में आपको पायलट लैंप जरूर मिल जाता है 2, लेकिन ऐसा कुछ यूनिकॉर्न में देखने को नहीं मिलता। रहा बात मीटर का, तो यूनिकॉर्न में आपको इस तरीके का बेसिक सा मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें आपको बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है, जैसे स्पीडो मीटर, टेकोमीटर, फ्यूल गेज, न्यूट्रल वगैरह, ये सब सो हो जाता है भाई बेसिक एकदम। लेकिन पल्सर में आपको 2 मीटर कंसोल का ऑप्शन मिल जाता है। पुराना वाला मॉडल लोगे तो आपको इस तरीके का मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें आपको बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है। लेकिन अगर आप नया वाला मॉडल लेते हो ये वाला ग्राफिक्स के साथ,
तो आपको इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा। इसमें भी आपको फीचर्स तो भर भर के दे रखा है लेकिन गियर पोजीशन वगैरह नहीं दे रखा है भाई। हालांकि आपको टाइम वगैरह, टेकोमीटर वगैरह, फ्यूल गेज वगैरह, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह ये सब मिल जाता है। मेरे हिसाब से बजाज वालों को गियर पोजीशन दे देना चाहिए था, भले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे चाहे ना दे वो चलता, लेकिन गियर पोजीशन एटलीस्ट दे देना चाहिए था फुल्ली डिजिटल दिए तो। खैर ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको साइड स्टैंड इंजन कटो का फीचर्स मिल जाता है, दोनों गाड़ियों में इंजन किल स्विच मिल जाता है। यूनिकॉर्न में आपको यूएसबी वगैरह देखने को नहीं मिलता, जबकि पल्सर में आपको यूएसबी मिल जाता है, नए मॉडल में, पुराने वाले मॉडल में नहीं मिलता, जो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यूनिकॉर्न के बटन पे आपको लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ पल्सर के बटन पे आपको लाइट वगैरह मिल जाता है। नया मॉडल लो चाहे पुराना मॉडल लो, दोनों में आपको लाइट वगैरह देखने को मिल जाता है, रात में बड़ा प्रीमियम लगता है देखने में, तो ये काफ़ी एक बढ़िया चीज़ दे रखा है पल्सर में। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको हॉर्न अलग अलग मिलता है, जैसे यूनिकॉर्न में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है जबकि पल्सर में आपको डबल हॉर्न मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आपको यूनिकॉर्न में इंजन काउल वगैरह देखने को नहीं मिलता, इंजन प्लेट आप लगवा सकते हो एक्सेसरीज के तौर पर, लेकिन पल्सर में आपको बेस वेरिएंट में भी इंजन काउल मिलता है और इवन टॉप एंड वेरिएंट में भी इंजन काउल मिलता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बाकी यूनिकॉर्न में आपको 12 वोल्ट 4 एम्पीयर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है, लेकिन पल्सर में आपको 12 वोल्ट 8 एम्पीयर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल बैटरी यूज करा है बजाज वालों ने पल्सर में। हालांकि आप दोनों गाड़ियों का की देख सकते हो भाई, दोनों गाड़ियों का की बिल्कुल ही बेसिक सा मिलता है, लेकिन आप पल्सर से तो यूनिकॉर्न का बढ़िया ही की है। बाकी दोनों गाड़ियों का हेडलाइट ऑटोमेटिक जल जाता है, आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो AHO वाला सिस्टम मिलता है, दोनों गाड़ियों में हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता। इसके अलावा आपको यूनिकॉर्न का बटन बिल्कुल ही बेसिक सा मिलता है, लेकिन पल्सर में आपको थोड़ा एडवांस लेवल का बटन मिलता है, जैसे इसमें एक टॉगल करने वाला बटन मिलता है, आप गाड़ी चलाते चलाते ही मीटर को टॉगल कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम आपको यूनिकॉर्न में देखने को नहीं मिलता। बाकी यूनिकॉर्न में आपको नॉर्मल सा हैंडल बार मिलता है, लेकिन पल्सर में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, जो कि काफ़ी मज़ा देता है भाई राइड करते टाइम है। तो ये तो हो गया भाई फीचर्स का बात, हर चीज़ के मामले में पल्सर ही आगे निकल रही है भाई, यूनिकॉर्न में आपको फीचर्स कुछ नहीं मिलता। बाकी अब थोड़ा मेंटेनेंस, रिसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ कंपेयर कर रहा हूँ तो ये चीज़ भी कंपेयर करना मेरा फर्ज है ना। तो देखो दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों गाड़ी 150cc या फिर 160cc सेगमेंट की हैं, तो आपका 1000 रुपये के अंदर सर्विस हो जाएगा दोनों गाड़ियों का। अगर आप सिंथेटिक ऑयल डालते हो तो फिर वही 1200-1300 कॉस्ट चला जाएगा। बाकी स्पेयर पार्ट भाई अपने अकॉर्डिंग देख लेना, सर्विस सेंटर जाके पता कर लेना। मेंटेनेंस का मैं दावा करता हूँ कि 1000 रुपये के अंदर आपका सर्विस हो जाएगा फ्री सर्विस में, लेकिन अगर आपका फ्री सर्विस खत्म हो जाता है तो वही 1500 रुपये आप मान के चलो सर्विस कॉस्ट लगेगा दोनों गाड़ियों का। हालांकि यूनिकॉर्न का 1500 नहीं लगना चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत ही नॉन मेंटेनेंस बाइक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको अंदाजे पे दाम बता दिया कि 1500 के लपेट में लगेगा, इतना बजट लेके जाना। रहा बात रिसेल वैल्यू का, तो देखो दोनों गाड़ियों का रिसेल वैल्यू में अच्छा खासा डिफरेंस है। पल्सर का भी ठीक ठाक रिसेल वैल्यू है, इंडियन मार्केट में अच्छा खासा पसंद किया जाता है, 10-15-20 हज़ार यूनिट बिक जाती है, लेकिन यूनिकॉर्न भाई 25-30 हज़ार 40 हज़ार इवन बिक जाती है हर महीने, तो यूनिकॉर्न का ज़्यादा बढ़िया रिसेल वैल्यू है पल्सर के मुकाबले। हालांकि वो जगह टू जगह वेरी करता है भाई, आप कौन से सिटी में रहते हो वहाँ पे यूनिकॉर्न ज़्यादा चलता है कि नहीं चलता। हमारे यहाँ तो ना ही यूनिकॉर्न चलता है ना ही पल्सर चलता है, तो हमारे यहाँ तो रिसेल वैल्यू देखने को मिलेगा ही नहीं दोनों गाड़ियों का बिल्कुल भी, लेकिन हाँ जहाँ पे ज़्यादा यूनिकॉर्न चलता है वहाँ पे A1 आपको रिसेल वैल्यू देखने को मिलेगा। और सेम वही चीज़ पल्सर के साथ भी, अगर जहाँ पे पल्सर ज़्यादा बिकता है तो वहाँ पे आपको रिसेल वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी रहा बात आफ्टर से सर्विस का, तो दोनों गाड़ियों का आफ्टर से सर्विस बहुत ही बढ़िया है भाई, हर जगह आपको सर्विस सेंटर देखने को मिल जाता है, इवन नॉर्मल मैकेनिक के पास भी लेके जाओगे तो दोनों गाड़ियों का सर्विस हो जाएगा। लेकिन हाँ पार्ट्स वगैरह बाहर नहीं मिलता भाई, आपको सर्विस सेंटर ही जाके लेना पड़ेगा पल्सर का पार्ट है। हालांकि यूनिकॉर्न का बाहर मिल जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बिकती दबा के है भाई, तो इसीलिए लोग बाग रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर कर ही दिया भाई, लेकिन अभी एक चीज छूट रहा है, मेन चीज प्राइस है। जाओ देख लेते हैं एग्जैक्ट प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो यूनिकॉर्न का भाई एक शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपये, वो ऑन रोड जाएगी 1,31,685 रुपये का समथिंग। वहीं अगर आप पल्सर 150 का बेस वेरिएंट लेते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है 1,10,752 रुपये, वो ऑन रोड जाएगी 1,28,902 रुपये का समथिंग। वहीं अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है 1,15,750 रुपये, वो ऑन रोड जाएगा 1,34,444 रुपये का समथिंग है। तो अगर दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट को कंपेयर करा जाए तो लगभग 2,783 रुपये आपकी यूनिकॉर्न महंगी है पल्सर 150 के मुकाबले। अगर टॉप एंड वेरिएंट को कंपेयर करा जाए तो 2,759 रुपये पल्सर महंगी है यूनिकॉर्न से। तो ऐसे टॉप एंड वेरिएंट से तो अपने को मतलब नहीं है भाई, उसको साइड करते हैं, मेन बेस वेरिएंट पे फोकस करते हैं भाई, क्योंकि फैमिली के लिए बेसी वेरिएंट सफिशिएंट है। तो पल्सर भाई ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है,
यूनिकॉर्न के मुकाबले। हालांकि देखो यूनिकॉर्न कुछ कुछ चीज़ों में आगे निकल जा रही है, जैसे यूनिकॉर्न का इंजन जो है वो काफ़ी बढ़िया है भाई पल्सर 150 के मुकाबले, लेकिन अब बिल्ड क्वालिटी, सस्पेंशन, कंफर्ट के मामले में आपकी पल्सर बहुत आगे यूनिकॉर्न से। यूनिकॉर्न में आपको उतना अच्छा कंफर्ट देखने को नहीं मिलता सस्पेंशन वाइज, और सीट भी ठीक ठाक है, एवरेज है, लेकिन पल्सर का सीट आपको बहुत ही तगड़ा मिलता है, एकदम मुलायम आपको सीट मिलता है, आपको भी बैठ के देखना आपको मजा सा आ जाएगा। तो मैं तो यहाँ पे विनर यूनिकॉर्न को ही रखूंगा भाई, क्योंकि यूनिकॉर्न का इंजन A1 है, मेन इंजन ही होता है ना बाइक में, तो यूनिकॉर्न का इंजन A1 है। लेकिन अगर आपको इंजन से ही मतलब नहीं है, कम्फर्ट भी चाहिए, थोड़ा लुक भी मस्कुलर चाहिए और थोड़ा एडवांस फीचर्स भी चाहिए, तो फिर आपके लिए पल्सर 150 बेस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर करके आपको दिखलाई दिया। अगर आपको मौका मिले आज के रेट में 150 सीसी की गाड़ी खरीदने का, तो किस गाड़ी की तरफ जाओगे ये वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई होप आप सभी को इस वाले वीडियो में मजा आया होगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से, जय हिंद सभी को।